दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स के आन पर। दोस्तों आज है 25 अक्टूबर, एक बार फिर से हम आपके लिए 6 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा और भी अन्य योग्यताओं से आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ भर्तियों के लिए इनमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन किन 6 विभागों के अंतर्गत भर्तियां निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 6 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। यहाँ दोस्तों जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। बैंक की वैकेंसी है, पोस्ट है इसमें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड की 9638 वैकेंसीज है। सेलरी आप नोटिस से पोस्ट वाइज चेक कर सकते हो। योग्यता की बात की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री CA MBA लॉ डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु की वहीं बात की जाए तो मिनिमम आयु सीमा ऑफिसर स्केल थर्ड और सेकंड के लिए 21 वर्ष है और ऑफिसर स्केल फर्स्ट और ऑफिस असिस्टेंट के लिए मिनिमम 18 वर्ष है। मैक्सिमम आयु सीमा ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए 40 वर्ष है, ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए 32 वर्ष है, ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए 30 वर्ष है और ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए मैक्सिमम 28 वर्ष आयु सीमा है। शुल्क अदर कैंडिडेट्स के लिए ₹850 है, SC ST PWD या EX सर्विसमैन के लिए ₹175 है। पेमेंट आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे। पैटर्न और सिलेबस की कंप्लीट जानकारी आपको नोटिफिकेशन के अंतर्गत ही दी गई है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। IBPS.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती की न्यू डेट जारी कर दी गई है, ये भर्ती रीओपन हुई है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 26 अक्टूबर 2020 है, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 9 नवंबर 2020 है। प्री एग्जाम ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए इसकी डेट 31 दिसंबर 2020 है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए प्री एग्जाम की डेट 2 या 4 जनवरी 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। PSC में प्रिंसिपल हेडमास्टर ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर की भर्ती है, 585 वैकेंसीज है। सैलरी प्रिंसिपल के लिए 15600 से 39400 है, प्लस ग्रेड पे 6600 है। हेडमास्टर या ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर के लिए 10300 से 34800 है, प्लस ग्रेड पे 5400 है। योग्यता की बात की जाए तो ग्रेजुएट BEd DLed पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है। अदर कैटेगरीज के लिए ₹500 एप्लीकेशन चार्ज है, प्लस 2500 एग्जामिनेशन फी है। SC ST के लिए जो ऑल स्टेट है और BC पंजाब के लिए ₹500 है एप्लीकेशन चार्ज, प्लस 625 एग्जामिनेशन फीस है। PH जो पंजाब के हैं, ₹500 एप्लीकेशन चार्ज है, प्लस 1250 एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फीस है। EX सर्विसमैन पंजाब स्टेट के 500 एप्लीकेशन चार्ज है। पेमेंट आप बैंक चालान से ऑफलाइन कर सकते हो, SBI की किसी भी ब्रांच से। सिलेक्शन होगा एग्जामिनेशन के आधार पे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। PPSC.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस भर्ती की भी रीओपन हो चुकी है डेट। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती भी दोबारा फिर से रीओपन हुई है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 2 नवंबर 2020 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 9 नवंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में परिवहन विभाग के अंतर्गत मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर मोटर वाहन निरीक्षक की भर्ती निकली है। वेरियस वैकेंसीज है, सैलरी 22000 से 97000 पर माह के लिए है। 12th प्लस डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 38 वर्ष आयु सीमा है। जनरल या IWS के लिए 285.40 आवेदन शुल्क है। SC ST OBC MOBC के लिए 185.40, BPL के लिए 35.40 और PWBD के लिए भी ₹35.40 आवेदन शुल्क है। सिलेक्शन होगा टेस्ट इंटरव्यू के आधार पे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है,
apsc.nic.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 9 नवंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। 85 वैकेंसीज है। सैलरी 1700 लेवल 3 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 26 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये शुल्क है। वोमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 400 रुपये शुल्क है। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर चालान से भी कर सकते हो। सिलेक्शन होगा एमसीक्यू टेस्ट और एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बेंगलोर कर्नाटक का जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। iisc.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 7 नवंबर 2020 है। फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 7 नवंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में पीजीआई के अंतर्गत स्टोर कीपर और प्ले बोटोमिस्ट की भर्ती निकली है। वेरियस वैकेंसीज है। 15600 से 39600 सैलरी है। ग्रेजुएट डिग्री एमबीए बीएससी से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये शुल्क है। एसएसटी के लिए 800। पीडब्ल्यूडी को शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। चंडीगढ़ जॉब लोकेशन है। pgimer.edu.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 10 नवंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है मेडिकल कॉलेज में। जूनियर रेजिडेंट की भर्ती है। 434 वैकेंसीज है। सैलरी 56600 लेवल 10 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। एमबीबीएस डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। वीएमएमसी रूल के अकॉर्डिंग आयु सीमा तय की जाएगी। 500 रुपये जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 250 ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क है। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप एनईएफटी और आरटीजीएस या फिर ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट के आधार पर। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। डेली जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। vmmc-sgs.nic.in इस पोर्टल से आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 30 अक्टूबर 2020 है। तो दोस्तों ये थी आज के इनके 25 अक्टूबर 2020 की टॉप 6 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं, आप आवेदन भी यहीं से कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।